भारी बारिश की वजह से गांवों को शहरों से जोड़ने वाली कई सड़कें पानी में डूब गई। यहां तक कि मानसा सुनाम हाईवे भी बारिश के पानी में डूब गया, जिसकी वजह से हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कई जगहों पर तो गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मैं इस वक्त मानसा से सुनाम की ओर जाने वाले हाईवे पर मौजूद हूं और इस हाईवे पर आप देखिए कि पानी किस कदर भरा हुआ है। उस पानी में से जब बसें निकल रही हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, तो आप देखिए किस तरह के हालात हैं। यही नहीं, हाईवे के किनारे मौजूद एक सरकारी डिस्पेंसरी के बाहर भी बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जो हमीरगढ़ है मानसा इलाके में, वहाँ के लोग हैं और सामने सरकारी डिस्पेंसरी है, वहाँ तक अगर जाना हो किसी को तो यहाँ पर आप देखिए पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी 2 फीट तक पानी हो चुका है। जम्मू कश्मीर में लश्करे तैबा को दूसरे आतंकी संगठनों से चुनौती मिलने लगी है। खबर है कि आतंकी संगठन नए लोगों को पाले में लाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे हैं, जिसका पता हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू के ऑडियो से चला। न्यूज 18 के पास रियाज नायकू का वो ऑडियो टेप है जिसमें वो न सिर्फ लश्करे तैयबा और पाकिस्तान सरकार बल्कि ISJK यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का विरोध करता सुनाई दिया। हिजबुल मुजाहिदीन को बदनाम करने के लिए और लोगों के दिलों में हिजबुल मुजाहिदीन की नफरत डालने के लिए आप क्या क्या बहाना ढूंढते हो, काश आप इतनी कोशिश दुश्मन के खिलाफ करते। रियाज नायकू ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव दूसरे आतंकी संगठनों खासकर ISJK को खुली चुनौती दी। ये लोग कश्मीर को इराक और सीरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कश्मीर में इराक और सीरिया की तरह नहीं होने देंगे और न किसी को ऐसा करने का मौका देंगे। असल में ISJK नहीं चाहता कि कश्मीर में उसके अलावा कोई दूसरा आतंकी संगठन ताकतवर हो, जिससे हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू बौखलाया हुआ है। ISIS के बैनर तले ISJK जम्मू कश्मीर में शरिया कानून लागू करना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी संगठन मजबूत हो। शायद यही वजह है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर खाई पैदा करना चाहता है, इसलिए रियाज नायकू ने जब हल्ला बोला तो ISJK ने भी पलटवार कर दिया। ये वही तंजीमें हैं जिन्हें आप नाम निहाद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के नाम से जानते हैं, जो असल में हिजबुल शैतान और लश्कर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी वर्दी के बगैर यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान के मफादात की जंग लड़ रहे हैं। मैं अबू तुराब इस वक्त का चश्मदीद गवाह हूँ। माना जा रहा है कि आतंकियों की आपसी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का होने वाला है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई है दोनों के बीच में। ISJK का जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल साफ है, वो है एक इस्लामिक स्टेट को बनाना। जितने भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी जो मकसद है, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के बाद हनुमान चालीसा पर बवाल शुरू हो गया, जिसके बाद 3 तलाक मामले में याचिकाकर्ता रही बीजेपी नेता इशरत जहां कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए, क्योंकि इशरत जहां मंगलवार को हावड़ा के संकट मोचन मंदिर में हुए हनुमान चालीसा पाठ में शामिल हुई थी। इशरत जहां ने आरोप लगाया कि अगले दिन मोहल्ले के लोगों ने उन्हें धमकाया और मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दे डाली। मैं अपने बेटे के स्कूल से वापस लौट रही थी, मैं देखी कि वह नीचे घर के पास में बहुत सारे लोग जमा है, सभी बोले इसको मां यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो। इशरत जहां ने मकान मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की। वहीं मकान मालिक मनाजिर हुसैन ने इशरत जहां के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने माना कि इशरत जहां से कहासुनी हुई थी। बिना बुर्का का आप जाकर के हनुमान चालीसा कीजिए, घंटी बजाइए, मगर हिजाब पहन करके ये काम मत कीजिए। हालांकि इशरत जहां को धमकी देने वालों का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं था, फिर भी इस मामले में राजनीति गर्मा गई और बीजेपी नेताओं ने इशरत जहां को धमकी मिलने पर भी ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल दिया। उस पर कई बार थ्रेटनिंग हुआ, उसका ऊपर अत्याचार भी हुआ है, लेकिन वहां एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला के साथ खड़ी नहीं होती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि इशरत जहां के मकान मालिक को भी ममता सरकार से डर था। इशरत जहां के मकान मालिक इसलिए खाली करवा रहे कि वहां की सरकार ममता बनर्जी किम जोंग की सरकार है। इशरत जहां के हनुमान चालीसा कार्यक्रम में जाने पर विवाद को कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने गलत बताया। किसने क्या पढ़ने का, किसने क्या रहने का, कैसा रहने का, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इशरत जहां को धर्म के नाम पर धमकाने का विरोध किया। उनको जो थ्रेट दी गई है
वो बहुत ही अफसोसनाक है। हम लोग भी एक दूसरे हिंदू और मुसलमानों की तकरीबात में शादियों में शरीक होते हैं। खटीमा में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के खटीमा में प्रशासन ने नेपाल बॉर्डर के पास जंगली हाथियों के हमलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ की धमतरी जेल में बंद एक कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया। संभल की घटना के बाद मेरठ के एसएसपी अजय साहिनी ने पेशी पर जाने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने पुलिस से मुखबिरी के शक में एक आदमी और उसके बेटे से मारपीट की और परिवार की गाड़ियों में आग लगा दी। उत्तराखंड के टिहरी में वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद गांव में घूम रहे घायल गुलदार को बेहोश कर पकड़ने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश के हरदा में 5000 एकड़ मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा चुके अमेरिकन ब्लैक आर्मी वर्म से निपटने के लिए सरकार आधे दाम में कीटनाशक मुहैया करवा रही है। जापान के क्योटो में एक इमारत में आग लगने से 33 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि आग एक आदमी ने लगाई जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इमारत में उसकी लगाई आग काफी देर तक धधकती रही। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं आसमान में काफी ऊंचाई तक उठता दिखा। इस इमारत में एक एनिमेशन स्टूडियो था जहां आग लगने के वक्त 70 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। रिहायशी इलाके के बीचों बीच होने की वजह से आग दूसरे मकानों तक पहुंचने का भी खतरा था, इसीलिए आग को बुझाने के लिए दमकल की 35 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गईं। खिड़कियों से निकल रही लपटों पर पानी की बौछार की गई। हालांकि तब तक 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जल चुका था। बचाव दल के सदस्यों ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने आग लगाने वाले आदमी के पेट्रोल के डिब्बों को कब्जे में ले लिया। आग में झुलसने वाले लोगों को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। इमारत में लगी आग की वजह से 30 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। असम के बगाई गांव में बाढ़ ने वहां के लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। ब्रह्मपुत्र नदी के पास बसे कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए, जिससे लोग खाने और पीने के पानी के लिए भी मोहताज हो गए, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से पूरा इलाका पानी में समा गया। दूर दूर तक जमीन का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया, लिहाजा लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। लोगों के घर पानी में पूरी तरह समा गए और उनकी सिर्फ छत ही दिखाई दी। ऐसे हालात में लोग मकानों की दूसरी या तीसरी मंजिल पर रह रहे हैं या फिर छतों को अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। ऊंचा जगह है इसलिए हम लोग इधर खड़ा रह सके। 2-3-4 फुट उधर जाएंगे तो हम लोग पूरा डूब जाएंगे। उस इलाके में जहाँ तक नजर गई वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दिया। इतना ही नहीं, सरकारी इमारतों में पानी में आधी से ज्यादा चीजें समा गई, जिसमें लोग रहने को मजबूर हैं। बाजार की कुछ दुकानें तो खुली लेकिन लोग पानी में कुछ फीट तक डूबकर ही चलने को मजबूर हैं। खाने का कोई चीज नहीं है, पीने का पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग रहने का जगह नहीं है। लोगों के मुताबिक ऐसे बदतर हालात में इस इलाके में करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ना यहाँ रिलीफ कैंप बनाया गया और ना ही किसी तरह की मदद लोगों तक पहुँचाई गई। जिला प्रशासन खूब घूम रहा है लेकिन घूमने से क्या फायदा, उनको मुंह देखने से तो आदमी को पेट नहीं भरता है, तो अभी तक खाना नहीं मैंने मिल रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि जहां जमीन का थोड़ा टुकड़ा मिला वहां लोगों ने अपना सामान बचाकर रखा और जानवरों और बच्चों को थोड़ी जगह मिली। लोगों के मुताबिक पिछले 5 दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं जिसने उनका जीना मुहाल कर दिया है। यूपी के रामपुर